बैठिए। नमस्ते। अकेले आए हैं? नहीं, दोनों आए हैं। अरे कहाँ छुप रहे हो, अंदर आ जाओ, छुपने का फायदा नहीं है। आ गए एबीडी और विराट कोहली। पता तो होगा ही क्यों बुलाया है। सर नंबर कम आए हैं। कम आए हैं? अच्छा ऑप्टिमिज्म है। ऑप्टिमिज्म मतलब? पॉजिटिव सोचना। बूंद फटी के टाइम सिलाई मशीन खरीद के ले आना। ओह अरे नो। नंबर कम नहीं आए हैं, दोनों फेल हो गए हो। नहीं सर, क्या नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है सर, हमने बहुत पढ़ाई की थी। दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे? नहीं। तो हमने मतलब आप लोग शाही खानदान से तो नहीं है? नहीं। तो हमने मतलब हमने पढ़ाई की। अरे मैंने पढ़ाई की थी बोलो। मैंने पढ़ाई की थी, दिख ही रहा है वो तो। अब आप मेरी बात सुनिए। क्या लाए हो? ग्रीन टी लाए हो? लाओ दो, लाओ दो, लीजिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। वाह 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 वाह। ठंडा ठंडा हिमालय का पानी। आपको पता है हमारे स्कूल में चाय से शरीर साफ किया जाता है, क्योंकि टी में टी छोड़ के दुनिया भर की टट्टी होती है। क्या लैटरिन है ये? ग्रीन टी है। वाह वाह वाह, ताली बजाते हैं ये। अगर ये ग्रीन टी है तो मैं फिर पक्का लेमन आइस टी मूतता हूं। चल निकल यहां से। इन स्कूल वालों ने मुझे हल्के में लिया हुआ है। किसी छुट्टी वाले दिन आके पूरे स्कूल में आग लगा दूंगा और वो प्रिंसिपल से सबसे पहले निपटूंगा। कौन? चोटी वाले? काहे की चोटी, विग लगाता है वो, किसी को पता नहीं है। वैसे तो नाम यशवंत खेर है, लेकिन हटा के अनुपम खेर। हंस लो जितना हंसना है, रुलाने की वजह तो मेरे पास है। सर प्लीज फेल मत कीजिए। क्यों ना करूं फेल? आप इसके आंसर शीट देखिए, हर पेपर के टॉप पे ओम लिखा हुआ है। ओम 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 ओम। अरे आंसर शीट है या जादू को बुलाने की मशीन? क्या फायदा जब अंदर कुछ ढंग का लिखना ही नहीं है। ओम लिख के उम्मीद करते हैं ऊपर वाला बचा लेगा। अरे लेकिन नंबर तो ये नीचे वाला देगा। इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन आता है कंप्लीट द सेंटेंस, उसमें पहला फ्रेज था व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन डैश। इसने लिखा है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक इट आयशा टाकिया। मतलब ये कि आपका लड़का इस देश में पढ़ने के लायक नहीं है। हॉगवर्ट्स भेज दे। हार्वर्ड होता है वो, और उसमें घुसने के लिए स्पेशल दिमाग चाहिए होता है। इसका साइंस में इंटरेस्ट है। लैब में तो इससे एक्सपेरिमेंट होते नहीं। नहीं नहीं एक्सपेरिमेंट करने में तो माहिर है ये। नहाते टाइम ठंडे पानी और गर्म पानी का नलका साथ खोल के कुनकुना बना देता है। बता ना अंकल, वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता। तुम तो रहने दो, ये तो पेपर की शुरुआत में ही झंडे गाड़ देता है। आप और मैं डेट के आगे तारीख लिखेंगे। जी जी। ये लिखता है मैं तो तैयार हूँ लेकिन वो नहीं मानती। डिजास्टर मैनेजमेंट में एक आसान सा सवाल पूछा था कि गिव वन एग्जांपल ऑफ रिस्क, तो ये लिख के आया है। अब ये करके दिखाओ बस। मासूम है, जाने दीजिए। अगर ये मासूम है तो मैं भी भारत का शिक्षा मंत्री हूँ। जनरल नॉलेज में पूछा नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल, तो कहता है माय एक्साइटेड गर्लफ्रेंड। मतलब आप पूछते रहिए मतलब, और ये दोनों कर जाएंगे कर्तव्य। दो तरह के केमिकल बॉन्ड पूछे तो कहते शेन बॉन्ड और जेम्स बॉन्ड। सर फिर से पेपर चेक कीजिए ना, कुछ गलती हुई आपसे। बेटा तुम दोनों को पढ़ाना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। इनकी उम्र में मेरी मैथ्स और इंग्लिश इतनी स्ट्रांग थी। आपको सही टीचर मिले होंगे। चुप रहो। आपको पता है पूरे स्कूल में सिर्फ मेरी क्लास में 100% बच्चे पास हो सकते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से फिर चूक गया। इस बार भी बेस्ट टीचर का अवार्ड वो करिश्मा जी ले जाएंगी। पढ़ाना आता है नहीं, पूरे दिन स्टाफ रूम में बैठ के टीचरों के साथ अपने पति और सास की चुगली करती रहती है। मेरी सास ने मेरा रिमोट छुपा दिया, मेरा पति तो मेरी साइड लेता ही नहीं। इन बच्चों को फेल मत कीजिए, थोड़े शरारती हैं। आप भी तो अपने बचपन में शरारती रहे होंगे। शरारती था मैं, हरामी नहीं था। हिंदी में मुहावरों का मतलब पूछा तो अपने लाड़ने के जवाब सुनिए। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गर्लफ्रेंड से बहस करना, आस्तीन का सांप, स्टुअर्ट बिन्नी, हाथ पैर फूल जाना, बुंड फट के चार होना, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे 69, जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे, अपना उल्लू सीधा करना। ये मैं नहीं पढ़ सकता, कहाँ नंबर दूँ? तुम लोगों ने तो पढ़ाई का मजाक बना रखा, ये कैसे जवाब हुए? हिस्ट्री में पूछा कि 1857 रिवोल्ट में मंगल पांडे का कितना बड़ा हाथ था, तो कहता है थानोस जितना बड़ा। फिल्में देख देख के दिमाग कचरा हो गया इनका। सर आपने ही कहा था फिल्में देखने को। मैंने बोला था इंग्लिश फिल्में देखनी शुरू करो, अंग्रेजी स्ट्रांग होगी। तो ये ओ ये, डीपर, जस्ट लाइक दैट, ओ माई गॉड, मे आई कम इन, आई एम कमिंग, ये सीखा है। आप मेरे कहने पे आखिरी बार इनको पास कर दीजिए। कैसे पास कर दूं? एक दो मार्क्स बढ़ा सकता हूँ, ये 14 नंबर नहीं बढ़ा सकता। सर ग्रेस मार्क्स दे दीजिए। काहे का ग्रेस, दोनों डिसग्रेस हो। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। आप इतनी मेहनत करते हो हमारे पीछे और हम आपको ऐसे तंग करते हैं। तुम क्या नाटक कर रहे हो, तुम तो रो भी नहीं रहे, आंसू कहाँ हैं? एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी। अरे मुझे तो यानी सुनाई दिया। तुम दोनों को बेटा अब कोई पास नहीं कर सकता। सर आखिरी बार पास कर दो प्लीज।
अबे क्यों भीख मांग रहा है, जो कर देंगे पास। क्यों तुम राजा महाराजा हो कहीं के, जब मर्जी आए बंक मार लो। पिछले वेंसडे क्यों नहीं आए? क्यों जो ऐसे उनकी नौकरी लगवा दी क्या? क्या एक एक दिन के पीछे ताने सुनाते हो आप? आपको पता है बंदा इंटरनेट से पढ़ के एग्जाम देते, स्कूल आने की भी जरूरत नहीं है। और क्या करते हो आप स्कूल आके? दो तीन लाइनें पढ़ा के बाकी सारा होमवर्क दे देते हो। असली एजुकेशन क्लासरूम के बाहर मिलती है हमें। ज्यादा से ज्यादा सरप्राइज टेस्ट ले लेते हो आप, लेकिन अब वो भी सरप्राइज नहीं करता हमें। मच्छर पे अगर बार बार मॉर्टिंग छिड़कते रहोगे ना, तो एक टाइम के बाद वो भी उससे अपने बाल धोने लगेगा। दो महीने में एक बार सरप्राइज टेस्ट हो तो अच्छा भी लगे। आप तो हफ्ते में दो बार लपेट लेते हो। बच्चों को सिखाओ अच्छा इंसान कैसे बने। पढ़ा लिखा तो ओसामा बिन लादेन भी था। अबे चुप कर, क्या बोले जा रहे? फिर पास कर देंगे, चिल मार। अब यही बात नीचे प्रिंसिपल को बोलना। चलो इन स्कूल वालों ने मुझे हल्के में लिया हुआ है। किसी छुट्टी वाले दिन आके पूरे स्कूल में आग लगा दूंगा और वो प्रिंसिपल से सबसे पहले निपटूंगा। कौन चोटी वाले? काहे की चोटी, विग लगाता है वो, किसी को पता नहीं है। वैसे तो नाम यशवंत खेर है, लेकिन हटा के अनुपम खेर। हाँ चलो, ये गलत है। बच्चों को फेल करने से जैसे आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। सॉरी वो जरूरी कॉल था, आप इन बच्चों को फेल कर दीजिए। अरे मुझसे ही कुछ गलती हो गई थी, मैंने दो क्वेश्चन चेक करना भूल गया। लड़के पास है? नहीं सर, आप एहसान कर रहे हैं बच्चों पे। अरे नहीं, ये किताबी नॉलेज कहाँ काम आती है, जनरल नॉलेज बहुत जरूरी है। आप खुद देख लीजिए कौन सा पक्षी सबसे तेज उड़ता है, जिसको जल्दी हो। लेकिन नंबर बच्चे पास है, आप टेंशन मत लीजिए, जाइए। मुबारक हो सर, आपकी क्लास में 100% बच्चे पास हो गए, अब वो अवार्ड आप ही का है। ओके थैंक यू सर। ये प्रिंसिपल साला फिर बीच में आ गया। बबली सर, कम टू द प्रिंसिपल ऑफिस इमीडिएटली। बबली सर, कृपया प्रिंसिपल ऑफिस में जल्दी आइए। वो ही फिर मुझे याद।